नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़, मैं अमित भूबिया। अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये विश्व की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं, क्योंकि ये सच है कि अमेरिका आज के वक्त विश्व का सबसे ताकतवर देश है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा बोला है कि कश्मीर मसले पर भारत का विरोध करने वाले देशों के पसीने छूटने लगे हैं। अमेरिका ने सबको नहीं बोला, बस एक देश को फटकार लगाई है, बाकी सब तो उसका ट्रेलर देखकर ही सन रह गए। आपको मालूम होगा दोस्तों, एक देश है तुर्की, जो कश्मीर मसले पर भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में जाकर बोला था। Despite the resolutions adopted by the United Nations Security Council, Kashmir is still besieged and 8 million people are still stuck in Kashmir. They cannot get out. संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर का राग अलापने वाले ये शख्स हैं तुर्की के राष्ट्रपति, और इनका नाम है रेसेप तैयिप एर्दोगन। तुर्की एक मुस्लिम राष्ट्र है और यहाँ की 98% आबादी मुसलमानों की है। अब आप समझ गए होंगे कि कश्मीर पर तुर्की भारत के साथ क्यों नहीं खड़ा होना चाहता और पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा हो रहा है। वैसे दोस्तों, बाकी सारे इस्लामिक देश और उनके संगठन कश्मीर मसले पर भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन तुर्की को भारत के इस आंतरिक मामले में कूदने की कुछ खास दिलचस्पी थी। लेकिन जब तुर्की ने भारत से पंगा लिया तो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उसे सबक सिखाया और अब रही सही कसर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निकाल दी है। तुर्की को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कैसे सबक सिखाया, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल जब संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसले पर तुर्की ने भारत का विरोध किया तो पीएम मोदी ने तुर्की के तीन धुर विरोधी पड़ोसी देशों साइप्रस, आर्मेनिया और ग्रीस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए एक अहम मुलाकात की। अमेरिका से रवाना होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इन तीनों देशों के प्रमुखों के साथ बैठक की, जो कूटनीतिक तौर पर काफ़ी अहम थी, क्योंकि साइप्रस और तुर्की के बीच 1974 से ही विवाद चल रहा है। तुर्की ने 1974 में साइप्रस की उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया था और ग्रीस और तुर्की के बीच भी लंबे वक्त से समुद्र क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है। और इसी तरह आर्मेनिया भी तुर्की पर अपने लाखों नागरिकों के नरसंहार का आरोप लगाता रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इन तीनों देशों से खास बातचीत की और इन्हें विश्वास दिलाया कि भारत आपकी स्वतंत्रता, सप्रभुता और क्षेत्र की रक्षा करेगा। इतना सुनते ही तुर्की डर गया, क्योंकि उसके दुश्मनों के सिर पर अब भारत ने हाथ रख दिया था। और अब रही सही कसर तुर्की को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खरी खरी सुनाकर निकाल दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को धमकी दी है कि अगर उसने सीरिया के मामले में हद पार करने की कोशिश की तो वे उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। ट्रंप ने ट्वीट किया, मैंने पहले भी कहा और एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर तुर्की ने कुछ ऐसा किया जो मेरी दृष्टि में हद से पार हुआ तो मैं तुर्की की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दूंगा, उसे जड़ से मिटा दूंगा। दरअसल ये ट्वीट कश्मीर मसले को लेकर नहीं है, लेकिन तुर्की के लिए काफ़ी है। इस ट्वीट के बाद तुर्की उन देशों के साथ पंगा नहीं लेगा जिनके साथ अमेरिका खड़ा है, यानी अब वो कश्मीर के मसले पर भी नहीं बोलेगा। ये ट्वीट तो ट्रंप ने सीरिया में चल रहे अंतहीन युद्ध को लेकर किया था। दरअसल तुर्की की सीमा से अमेरिकी सैनिक हटाए जाने के बाद से वहाँ सिर्फ कुर्द लड़ाके ही रहे हैं। ये वही लड़ाके हैं जो ISIS के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के साथ खड़े रहे, लेकिन अब तुर्की सेना इन कुर्द लड़ाकों पर हमला करने की फिराक में है और इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की को फटकार लगाई है। वैसे इन लड़ाकों ने ISIS को ख़त्म करने में तुर्की की सहायता की है, लेकिन अब तुर्की इन्हें आतंकी मानने लगा है। तो दोस्तों, एक बात साफ है कि भारत के खिलाफ पंगा लेने के बाद तुर्की को कभी भारत से तो कभी अमेरिका से खरी खरी सुनने को मिल रही है। और अब तुर्की को समझ आ गया है कि बिना मतलब किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते, जैसे आपका काम है। इस वीडियो पर अपनी राय देना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मैं भी आपके काम में टांग नहीं अड़ाऊँगा। बस आप खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। देखते रहिए वीके न्यूज़।